कभी भी चेम्बर बनाना है तो ये वीडियो जरूर देखें। इसमें क्या है कि जो ये वाला अपना जो बाहर से पाइप आया है जिसमें पानी आएगा, ये वाला पाइप हमेशा ऊंचा होना चाहिए और ये वाला जो आउटगोइंग वाला पाइप है जिससे बाहर पानी जाएगा, ये वाला थोड़ा सा नीचे कम से कम 1 इंच इससे डाउन रहना चाहिए। इस पाइप से ये वाला 1 इंच डाउन रहना चाहिए और इसके नीचे कम से कम ये मान लो कि 4 इंच जगह गैप रहना चाहिए पाइप के नीचे, ताकि यहाँ पे जो भी कचरा या कुछ भी मटेरियल आए वो यहाँ पे इस जगह पे जमा हो जाए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये वाला ऊंचा और ये वाला इससे 1 इंच डाउन और ये इसके भी नीचे फिर कम से कम 4 इंच जगह रहना चाहिए। तो ये वाला क्या है आपका, ये चेम्बर बन गया, तो जो भी कचरा आएगा इस पाइप से बाथरूम में से वो वाला कचरा पूरा इस गड्ढे में जमा हो जाएगा, ताकि अपना पाइप है ये कभी भी चोक नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें इस बात का कि ये वाला ऊंचा, ये नीचा और इससे 4 इंच डाउन, तो ये 4 इंच डाउन में पूरा कचरा जमा हो जाएगा। तो ये चेम्बर का नक्शा है, कभी भी आप चेम्बर बनवाओ तो ऐसा चेम्बर बनाना, कभी भी पाइप आपका चोक नहीं होगा।